हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग पटेल, डर्मेटोलॉजी से हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमको खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके उन टॉपिक को पढ़ करके और सही जानकारी आपको समय समय पर देते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप एक आदमी हैं जिसके पीठ में आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद पेचेस जैसे, लेकिन इसको ध्यान से देखिए कि ये कोई सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा जो होता है वो नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो दूधिया सफ़ेद मिल्की वाइट नहीं है, ये हमारे शरीर से हल्का सफ़ेद रंग का दाग है। इसी प्रकार से दूसरा एक कंडीशन भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे देखिए ये भी एक पीट में है, हल्का वाइट जैसा है। कुछ लोग इसको दाँत भी समझ सकते हैं, कुछ लोग सफ़ेद दाग भी, लेकिन ये सफ़ेद दाग भी नहीं है और दाँत भी नहीं है। इसको गाँव देहात के लोग छोला छऊ, जिसका नाम है पिटेरेसिस वर्सिकुलर, मतलब ये एक तरह का फंगल जैसा ही होता है, जो कि मलासजिया फरफर मतलब एक तरह का बैक्टीरिया मान के चलिए कि होता है, जिसकी लार स्लाइवा वहाँ पे इकट्ठा होता है और आपकी स्किन में फंगल इन्फेक्शन के जैसे ही बीमारी क्रिएट कर देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, देखिए ये होता क्यों आप जान जाएंगे तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को रोक सकते हैं। ये अगर आपके शरीर में पसीना पसीने की बदबू ज़्यादा रहती है या आपको डेंड्रफ की समस्या रहती है तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा बनता है। और ये अधिकतर कहाँ होता है, गले में, पीठ में, हाथों में, उस एरिया में ज़्यादा हो सकता है। पसीना अगर ज़्यादा आता है तो आप पसीने को कंट्रोल करिए, अच्छा मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बेसिकली देखिए कि इसको बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इजगार्ड, रिंगार्ड, क्वाड्रिडम ऐसे क्रीम लगा लेते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप ऐसे मेडिकेटेड कोई भी क्रीम अर्जेंट में ऐसे ना लगाएं, क्योंकि देखिए ये तो वैसे भी अपने आप भी ठीक हो जाता है, तो इसके लिए आपको घबराने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए बेस्ट प्रिकॉशन क्या होते हैं, नहाने के बाद में हर दिन आप सुबह और एक बार दोपहर के समय में डस्टिंग पाउडर, जैसे क्लोट्रिमाजोल कीटोकोनाजोल के डस्टिंग पाउडर रहते हैं, उसको सुबह शाम करके महीने भर कम से कम लगा के देखिए, तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि एक महीने में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। हल्की फुल्की खुजली होती है, आप उसके लिए लिवोसिट्रिजिन के टैबलेट कुछ दिन के लिए ले सकते हैं। बाकी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसे अगर आपके बालों के अंदर में होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर और कोई टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नहाने से पहले हमेशा आपको ठंडी मौसम में गुनगुना नारियल तेल आपकी बॉडी में लगाना चाहिए, अगर आपको फंगल रेसेस स्टार्ट हो गए हैं, और उस ऑयल को आपके बॉडी में एक घंटे के लिए रहने देना चाहिए। फिर उसके बाद कीटोकोनाजोल वाले जो सोप होते हैं उससे रगड़ करके इस तरह बात आपको करके नहाना।